नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम से संबंधित। तो देखेंगे कि आखिर अभी ये किस संदर्भ में लिखा गया है, यानी कि चर्चा का कारण क्या रहा है इसका, UAPA से तात्पर्य क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और संशोधित प्रावधान इसमें क्या क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या होती है उस पर भी चर्चा करेंगे, संशोधन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी इसमें, और संशोधित प्रावधानों के अनुसार कौन हो सकता है आतंकवादी, अधिनियम से संबंधित चुनौतियां क्या क्या है, और आतंकी घोषित व्यक्ति के अधिकार क्या है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि आपके लगभग सभी पक्षों को देखेंगे, जिससे आपके सभी जवाब सवालों के जवाब मिल जाएंगे लगभग। ठीक है, वर्तमान में आतंकवाद वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समस्या बन चुका है। आपने देखा होगा कि 2001 से पहले अमेरिका नहीं मानता था कि आतंकवादी संगठन जैसा कोई हमला होता है या आतंकवादी होते हैं। जब वो कहते हैं ना कि खुद पर बीतती है तभी पता चलता है कि कितनी बड़ी समस्या है, दूसरे की समस्या में मजाक लगती है। तो वही हुआ, जब अमेरिका पे आतंकी हमला हुआ उसके बाद अमेरिका की समझ में आया कि आतंकी हमले होते हैं, वरना भारत तो हमेशा से झेलता आ रहा है। आतंकवाद की समस्या से प्रभावित होने वाले देशों में भारत गंभीर रूप से पीड़ित देशों की श्रेणी में आता है। आतंकवाद और नक्सलवाद की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में आतंक विरोधी प्रावधानों को शामिल किया गया। यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, आतंकवादी संगठनों को चिन्हित करने और उन पर रोक लगाने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। एक आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में 2003 के करीब से आपकी सेनाएं, यानी कि अमेरिका की सेनाएं डटी हुई है। आपने अभी लास्ट ही टाइम देखा है कुछ ही दिन पहले, अमेरिका इतने हद तक झुक रहा है उन आतंकवादी संगठनों के सामने कि उसे अब समझौता करना पड़ रहा है। इसी तरह आपने देखा है कि ईरान से भी अमेरिका निकल चुका है, वहां से भी हार मान चुका है एक तरह से, समझ रहे हैं, इतने शक्तिशाली ये संगठन होते जा रहे हैं। इस कानून के निर्माण का उद्देश्य उन गतिविधियों पर अंकुश लगाना था जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। स्वाभाविक रूप से इसने देश की तथाकथित संप्रभुता और अखंडता के नाम पर नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया, जिससे न्यायालयों को भी देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रियता से हस्तक्षेप करना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि जब आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको, और आपको मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, लेकिन हम इन्हें मानते नहीं। हम में से आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या होते हैं मौलिक कर्तव्य। मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर इन दोनों पर फोकस दे दिया जाए और हर व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों से और मौलिक अधिकारों से परिचित हो जाए तो मुझे लगता है कि 70-75% आपकी समस्याएं खत्म हो जाए। अब देखिए, आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं कि आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन आपको सामने कर्तव्य भी तो एक कि सरकारी संपत्ति को मत जलाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसे हम सरकारी संपत्ति को जलाने लग जाते हैं। सोचिए, एक भरना तो तुम्हें ही कोई है, अगर 10 करोड़ का 50 करोड़ का आप नुकसान करते हैं तो उसकी भरपाई तो आप ही लोगों से होती है, आपका ही तो पैसा है, लेकिन फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 के आंकड़ों के आधार पर दी गई जानकारी के अनुसार UAPA के तहत वर्ष 2017 की में सजा की दर 49.3% थी, जो वर्ष 2015 में है दर 14.5% थी, और वर्ष 2018 में UAPA के तहत गिरफ्तार होने वाली व्यक्तियों की संख्या 1421 थी। कितनी? 1421। अब बात करते हैं UAPA गैर कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्रवाइयों से है जो किसी व्यक्ति या फिर संगठन द्वारा देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देती है। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना एकत्रित होने और संघ बनाने के अधिकार पर युक्तियुक्त विधिबंध
आरोपित करता है। एक बात आप लोग हमेशा समझिए कि आपको बोलने की आजादी है, धरना देने की, लेकिन याद रखिए जहां तक दूसरे अधिकारों का हनन होने लगेगा वहां से आपकी आजादी खत्म हो जाती है। आजादी का मतलब ये नहीं कि आपको बोलने की आजादी है तो आप किसी को गाली देने लग जाए, समझ रहे हैं, किसी के सामने चिल्लाने लग जाए, यानी कि दूसरे को अगर प्रॉब्लम हो रही है आपकी वजह से तो आपके संविधान में जो भी आपके अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं वहीं, ठीक है, और आपका पर कार्यवाही होगी बराबर। वर्ष 2019 में इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न संशोधन किए गए जिससे इस कानून में कुछ कठोर प्रावधान भी जोड़े गए। संशोधित प्रावधानों की बात करें हम लोग तो संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना। संशोधित प्रावधानों द्वारा महानगरों व शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले विचारकों के ऐसे समूह पर भी कार्रवाई की जाएगी जो युवाओं को आतंकी व विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने हेतु उकसाते हैं। यह संशोधन उचित प्रक्रिया तथा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को आतंकवादी ठहराने की अनुमति देता है। गिरफ्तारी या फिर जमानत संबंधी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसमें जो पहले प्रावधान था वही आपका अभी भी प्रावधान है। यह संशोधन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जो उसके द्वारा की जा रही जांच में आतंकवादी गतिविधियों से अर्जित यानी कि आय से बनी हो। पूर्व में NIA को इस तरह की कार्रवाई के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक की अनुमति की आवश्यकता होती थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून विवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी 31 अक्टूबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात गठित किया गया था क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की जा रही थी। जब 2008 में आपका मुंबई हमला हुआ था उसी के बाद इसकी स्थापना की गई। मानव तस्करी से संबंधित मामलों की जांच के लिए भी NIA को अधिकार दिया गया है। संशोधित प्रावधानों के प्रावधान सरकार को आतंकवादियों से संबंध रखने वाले संदेहास्पद व्यक्ति के नाम का खुलासा करने की अनुमति देते हैं। यह निर्णय इस्लामिक स्टेट में युवाओं के शामिल होने की घटनाओं के बाद लिया गया था। इस संशोधन में परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। इसमें इसके अंतर्गत आतंकवाद विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों या फिर संगठनों की जांच करने का दायित्व अब निरीक्षक स्तर के अधिकारी को भी दिया जा सकता है। आखिर आपकी ये संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? जब कोई व्यक्ति आतंकी कार्य करता है या फिर आतंकी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह आतंकवाद को पोषित करता है, वह आतंकवाद को बल देने के लिए धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद की सिद्धांत के को युवाओं के मन में स्थापित करने का काम करता है। पूर्व में निर्मित किसी भी कानून में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर आतंकवादी घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं था इससे पहले, ठीक है, लेकिन संशोधन में इसे जोड़ दिया गया है। इसलिए जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते जबकि ऐसे दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक होता। क्या आपने जैसे सोचा कि किसी ने एक संगठन बनाया वो आतंकवादी संगठन बैन हो गया यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो उसमें जो सदस्य हुआ करते थे वो दूसरा संगठन से या तो जुड़ जाया करते थे या दूसरा संगठन बना लेते थे जिससे उनमें जो भी शामिल व्यक्ति होते थे सदस्य उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इसे हटाकर अब व्यक्तियों को भी कानूनी रूप दे दिया गया है कि इन्हें आतंकवादी घोषित करने का, अब इससे इनके सदस्य भी नहीं बच सकते हैं, ठीक है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार कौन हो सकता है आतंकवादी? संशोधित प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे देश की एकता, अखंडता
सुरक्षा या फिर संप्रभुता को खतरा उत्पन्न होता है। साथ ही ऐसा कोई काम जिससे समाज या फिर समाज के किसी वर्ग को डराने की कोशिश की जाए तो आतंकवाद कहलाता है। याद रखिए, इस तरह के जो भी काम करेगा उसे आतंकवादी कहा जाएगा। संशोधित प्रावधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है या फिर उन्हें करता है या करने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को आतंकवादी करार दिया जा सकता है। इन्हीं आधारों पर किसी संगठन को भी आतंकवादी यानी कि आतंकी संगठन करार दिया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है यदि वह आतंकवादी कार्रवाई करता है या फिर उसमें भाग लेता है, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अन्यथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। इस तरह के अगर संगठन है तो उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अधिनियम से संबंधित चुनौतियों की अगर हम लोग बात करें तो यह अधिनियम सरकार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है, जिससे भविष्य में राजनीतिक द्वेष अथवा किसी अन्य दुर्भावना के आधार पर दुरुपयोग की आशंका बनी रहेगी। यानी कि कोई बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किए किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। इस संशोधन में आतंकवाद की निश्चित परिभाषा नहीं है। इसका नकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है कि सरकार या कार्यान्वयन एजेंसी आतंकवाद की मनमानी व्याख्या द्वारा किसी को भी प्रताड़ित कर सकती है। इस संशोधन का अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा सकता है। यह संशोधन किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने की शक्ति देता है जो किसी आतंकी घटना की निष्पक्ष जांच को भी प्रभावित कर सकता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, परंतु यह संशोधन NIA को संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जो कि राज्य पुलिस के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। याद रखिए, आपकी 3 सूची होती है, 7वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। जो राज्य सूची होती है इस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, जो संघ सूची होती है उस पर केंद्र सरकार, और जो आपकी संवर्ती सूची होती है इस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर दोनों में विरोधाभास है तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आतंकी घोषित व्यक्ति के अधिकार क्या क्या हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जाता है तो वह व्यक्ति गृह सचिव के समक्ष अपील कर सकता है। गृह सचिव को 45 दिन के भीतर अपील करने पर निर्णय लेना होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार एक पुनर्विचार समिति बनाएगी। इस समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। इस पुनर्विचार समिति के समक्ष आतंकी घोषित संगठन या व्यक्ति अपील कर सकता है, वहां सुनवाई की अपील भी कर सकता है। ठीक है, ये आपके जो भी आतंकी घोषित होता है व्यक्ति उसके अधिकारों की बात की जा रही है। निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है कि आतंकवाद व अन्य विध्वंसक गतिविधियों से निपटने के लिए भारत में एक कठोर कानून की आवश्यकता थी। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 आतंकवाद से निपटने के लिए संदर्भ में भारत के प्रयासों में एक कारण कारगर उपकरण सिद्ध हो सकता है। हमें इन तथ्यों पर भी ध्यान देना होगा कि देश की सुरक्षा के लिए कठोर कानून के निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण इनका दृढ़ता से क्रियान्वयन करना है। इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के कठोर कानून का दुरुपयोग ना हो पाए। तो ये कहानी थी आपकी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के बारे में। ठीक है।